चलिए बढ़ते हैं नेता नगरी के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हफ्ते की हस्ती। और इस हफ्ते की हस्ती हैं नवीन पटनायक, जिनको घर वाले और दोस्त उनके घर के नाम से बुलाते हैं। घर का नाम है पप्पू। नवीन पटनायक 5 मार्च 2000 को ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। आज 20 बरस हो गए हैं नवीन पटनायक ओडिशा के लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। किसने सोचा था, ही हैड जीरो इंटरेस्ट इन ग्रेट स्टोरी। बीजू पटनायक की क्या कमाल की कहानी है। वो आदमी जब गुजरता है तो 4 मुल्कों के झंडे लपेटे जाते हैं उनकी शव यात्रा में। बिल्कुल, सेकंड वर्ल्ड वॉर में डकोटा उड़ा के गए, कहां से बचा के लाए। जी, अद्भुत कहानी है बीजू पटनायक की। मतलब एकदम हीरोइक स्टोरी, पर्सनैलिटी लंबे चौड़े एकदम हीरो थे। लेकिन देखिए, नवीन पटनायक ने एक तरह से ये बताया, मोर श्रूड पॉलिटिशियन नवीन देन हिज फादर, ये आप कह सकते हैं। लेकिन एक बात ये आप कह सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कि नवीन पटनायक ने दिखाया है कि आप अपने पिताजी की जो विरासत है उसे किस तरह से संभाल कर आगे ले जा सकते हैं। देखिए, ये हमेशा इल्जाम लगता है कई नेताओं पर, राहुल गांधी ले लीजिए, कई नेता हैं कि आप वंशवाद हैं और आप केवल राजनीति में हैं क्योंकि आपके पिताजी माताजी हैं। कुछ हद तक नवीन पटनायक इसी वजह से तो राजनीति में आए। लेकिन एक बार आप राजनीति में आते हैं, अगर आप कर्मठ हैं, अगर आप वाकई मेहनत करते हैं, तो आप एक तरह से अपने आप की एक तस्वीर, एक छवि बना सकते हैं। आज लोगों को नवीन पटनायक, जब आपने कहा 20 साल उनके खत्म हुए, जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लोग उन्हें ये नहीं कहेंगे कि बीजू बाबू का बेटा, लोग कहेंगे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री ओडिशा के। और ये अपने आप में बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात है कि वही नवीन पटनायक यहाँ दिल्ली के औरंगजेब रोड में रहते थे। कहा जाता था लट्टियन दिल्ली के वो प्रतीक थे, वो कॉफी टेबल बुक लिखते थे, पार्टी करते थे, न्यूयॉर्क जाते थे, कैनेडीज को होस्ट करते थे। और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं 20 साल पहले, एक ही बार विदेश गए हैं और उसमें भी तख्ता पलट होने लगा था। बिल्कुल, लेकिन लगातार नवीन निवास में बैठते हैं, अपने ब्यूरोक्रेट्स अफसर कुछ 4-5 चुने हुए हैं उनके साथ वो पूरा भरोसा लगाते हैं। राजनीति पर पूरी पकड़ है, पार्टी पर पूरी पकड़ है। उड़िया बोलनी नहीं आती थी। और एक तरह से उन्होंने 2-3 जो स्कीम्स, ऐसा नहीं है कि ओडिशा की कोई तस्वीर बदली है, लेकिन जनता को लगता है जनता को लगता है ये कम से कम कोशिश कर रहे हैं, ये कम से कम नेता ऐसे हैं जो उनको लगता है कि उनको उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उन्होंने एक तरह से परिवार नहीं है, उन्होंने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया। अब ये भी सवाल है उनके बाद कौन बीजू जनता दल को संभालेगा। उनके भतीजे की बात चल रही है। और वो जब मैंने उनको इंटरव्यू किया था 5-6 महीने पहले इलेक्शन के समय, तो उनकी उत्सुकता इस पर थी कि नेटफ्लिक्स पर कौन सी पिक्चर आपने देख ली। अच्छा, हाँ, वो मुझे कह रहे यू मस्ट वॉच दिस पिक्चर ऑन नेटफ्लिक्स। तो वहां ओडिशा में बैठकर नवीन निवास में भुवनेश्वर में नेटफ्लिक्स देखते हैं शाम को, अपना छोटा सा विस्की का ग्लास लेकर खुश रहते हैं। लेकिन दिन में 4-5 ब्यूरोक्रेट से बात करके उनको डेलीगेट कर देते हैं। और उन्होंने 2-3 जो स्कीम्स किए हैं उससे लोगों को लगता है कि गरीबों के लिए हमारे नेता जो है नवीन पटनायक। अब विपक्ष भी वहां कमजोर हो गया, इसलिए उनको वो भाजपा मजबूत अब धीरे धीरे भाजपा धीरे धीरे हो रही है। जो मैंने सभा में देखी उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन फिर भी नवीन पटनायक को भाजपा से ज्यादा सीटें आई और पूरी तरह से 4 बार वो लगातार चुनाव बीजेपी पोस्ट नवीन पटनायक से। आपने कहा 20 साल का खत्म, कितने हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक मजा अपंग थे अरुणाचल के, फिर पवन चामलिंग, फिर ज्योति बासु। लेकिन देख, ओडिशा जैसे राज्य में इतने सालों तक पूरी तरह से अपनी पकड़ रखना, एक बार बीजेपी के साथ वो थे, फिर वाजपेयी जी को छोड़ गए, अपनी 2009 में अलग हो गए, उन्होंने अपनी राजनीति बड़े सूझबूझ कर राजनीति की है। एक से एक दिग्गज जनता दल के घाघ नेताओं को किनारे लगा दिया। दैट्स राइट, एंड ही कम्स एंड टेल्स मी हाउ आर यू राजदीप एवरी टाइम। सागरिका के बड़े दोस्त हैं, वो बड़े बुक्स पढ़ते हैं, शौकीन है, किताबों के शौकीन है। अच्छा, आप लोगों की मुलाकात होती रहती है? नहीं नहीं, बीच बीच में 6 महीने 1 साल में जब वो आते हैं दिल्ली, 1-2 बार हुई है। पर हाँ, मैं कहूँगा, मैं उनके करियर को देखना, रूबेन बैनर्जी ने उन पर बड़ी एक अच्छी किताब भी लिखी है, किताब वाला इंटरव्यू किया। हाँ, तो वो मैं समझता हूँ नवीन पटनायक ने ये दर्शाया है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग हैं, अंग्रेजी भाषिक हैं, आप एक वंशवाद का इल्ज़ाम लगता है, आप लट्टियंस दिल्ली से आते हैं, लेकिन फिर भी आप पॉलिटिक्स में सफल हो सकते हैं। और यानी मुझ जैसे लोगों को आप कह रहे हैं कि अगर आप राजनीति में जाए तो आप नवीन पटनायक को आदर्श बना के आगे जाइए। बार बार आप हिंट ड्रॉप कर रहे हैं। कोई हिंट नहीं, मैं ऐसे ही आप हंसी मजाक कर रहा हूं।